आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह मध्यप्रदेश सहित 12 राज्यों से ही संबंधित लगभग चौवालीस हजार करोड़ रुपए की लागत वाली आठ परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है श्री मोदी ने कल प्रगति की छत्तीसवीं बैठक के दौरान दस विषयों की समीक्षा की रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मामूली अधिक किराए वाली पैसेंजर और कम दूरी की अन्य रेलगाड़ियां चलाई गईं ताकि लोग परिहार और गैर जरूरी यात्राओं से बचे ये किराए समान दूरी के मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के अनारक्षित किराए के समान तय किए गए थे रेलवे ने कहा है कि कुछ राज्यों में कोविड 19 के रोगियों में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए मामूली किराया बढ़ाने का उपाय रेलगाड़ियों में भीड़ और कोविड का फैलाव रोकने में मददगार समझा गया प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोविड 19 मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है कल भी तीन नए मामले सामने आए हैं वहीं दो रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट इंदौर में पॉजिटिविटी दर छह प्रतिशत और भोपाल में चार दशमलव, प्रतिशत है संक्रमण के कारण दो मरीजों की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या तीन हो गई है इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर भोपाल बैतुल जबलपुर छिंदवाड़ा में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं पूजा पीवर्धन आकाशवाणी समाचार भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज रात आठ बजे कोरोना महामारी पर प्रदेश के लोगों से संवाद करेंगे उधर इंदौर में लगातार सातवें दिन सौ से ज्यादा मरीज मिले हैं वहीं सात दिनों में नए मरीजों की संख्या आठ तक पहुंच गई है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने 10 किलोवाट भार तक के हाई वैल्यू कंज्यूमर को 1 अप्रैल से व्हाट्सएप ईमेल और एसएमएस के माध्यम से बिजली बिल भेजेगी ये निर्देश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष कड़पाले ने गोविंदपुरा स्थित कंपनी मुख्यालय में आयोजित समन्वय बैठक में दिए वहीं सत्ताईस फरवरी को संत रविदास जयंती और अट्ठाईस फरवरी को रविवार का अवकाश होने के बाद भी बिल भुगतान केन्द्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत आज तीन विकेट पर निन्यानबे रन से आगे खेलेगा कल पहले दिन का खेल समाप्त होने रोहित शर्मा सत्तावन और अंजित रहाणे एक रन बनाकर क्रेज पर हैं इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में एक रन पर आउट हो गई अब कुछ समाचार संक्षिप्त में शहरोल जिले में पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के आरोप में एक आदतन बदमाश को रासुका के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है शिवपुरी जिले में मलेरिया और डेंगू मुक्त बनाने के दिशा में जिला स्वास्थ्य समिति ने खनियाधाना ब्लॉक के चयनित गाँव में निशुल्क मच्छरदानी वितरण की मालवा कलेक्टर ने जिला पंचायत सभा कक्ष में सुशासन टीम के सदस्यों की बैठक लेकर निर्देश दिए हैं कि जिले में एक भी बच्चा कुपोषण से ग्रस्त न रहे झाबुआ में जिला प्रशासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए थांदला स्थित जनपद पंचायत परिसर में जनपद स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया ग्वालियर से शराबबंदी के लिए शुरू हुई संतों की पदयात्रा आज मुरैना पहुंची कल 26 फरवरी को चंबल किनारे इस यात्रा का समापन होगा तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी मिले इसके लिए नीति तैयार की जाएगी और मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार